हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ है और जिसकी दूरी यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो चलिए फिर आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की ओर चलते हैं। जिले में राज्य विश्वविद्यालय यशपालपुर आजमबाद में बनने जा रहा है। यह जगह आजमगढ़ सिर्फ 16 किलोमीटर दूर बन रहा है। राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण से पहले लोक निर्माण विभाग रास्ते का निर्माण करेगा। जमीन की खरीद और सड़क निर्माण 28 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सड़क को गाजीपुर मार्ग से जोड़ा जाएगा। पीजीआई मार्ग से विश्वविद्यालय तक जाने वाला मार्ग सिंगल लेन ही रहेगा, जिसकी मरम्मत कराई जाएगी। कार्यदायी लोक निर्माण विभाग निर्माण सामग्री लाने के लिए पहले सड़क का निर्माण करेगी। इसके लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण करना होगा। विश्वविद्यालय को 4 लेन सड़क से गाजीपुर मार्ग से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को किसानों से 6.20 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना होगा। इसमें 9.37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क निर्माण में 18.70 करोड़ की लागत आएगी। आजमबांध यशपाल में बन रहे विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए चक्रपानपुर स्थित पीजीआई वाले मार्ग से भी एक रास्ता है, लेकिन वह सिंगल लेन है। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की मांग कई सालों से चली आ रही थी। विश्वविद्यालय बन जाने के बाद आजमगढ़ और अगल बगल के जनपदों को कहीं और दूर शिक्षा के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ विश्वविद्यालय कुल 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पहला फेज बनेगा एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल। सेकेंड फेज में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिसमें कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था रहेगी। आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेल देव के नाम पर होगा। अभी हम उसी जगह पर आ चुके हैं जिस जगह पर विश्वविद्यालय निर्माण होना है। अभी इस जगह पर कोई निर्माण काम नहीं हो रहा है, फिर भी निर्माण काम 2022 में शुरू होने की उम्मीद है। वो 13 नवंबर को आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का गृह मंत्री अमित शाह के हाथों शिलान्यास हुआ था। 24,917 स्क्वायर मीटर में बनेंगे भवन आजमगढ़। प्रशासनिक भवन एवं पुस्तकालय 6225 स्क्वायर मीटर, शैक्षणिक भवन 8480 स्क्वायर मीटर, संकाय केंद्र 1350 स्क्वायर मीटर, महिला छात्रावास 2340 स्क्वायर मीटर, पुरुष छात्रावास 2110 स्क्वायर मीटर, कुलपति आवास एवं कैंप कार्यालय 568 स्क्वायर मीटर, टाइप 3 आवासीय भवन 474 स्क्वायर मीटर, टाइप 4 आवासीय भवन 1071 स्क्वायर मीटर, टाइप 5 आवासीय भवन 901.06 स्क्वायर मीटर के अलावा गार्ड रूम, पुलिस चौकी व अन्य विविध निर्माण कराए जाएंगे। इस प्रकार कुल निर्मित क्षेत्र 24,917.93 स्क्वायर मीटर होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।